दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस केस में एक के बाद एक कई खुलासे हुए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो इस केस के कई पहलू सामने आ चुके हैं और कई ऐसे राज हैं जो अब भी सामने आने बाकी हैं। निक्की यादव की हत्या उसके ही लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने की और हत्या के अगले ही दिन साहिल ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी इसलिए क्योंकि मर्डर के बाद पुलिस ने जैसे ही साहिल को गिरफ्तार किया, पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि निक्की और साहिल शादीशुदा थे, उन्होंने शादी कर ली थी, जिसकी जानकारी निक्की के परिवार वालों को नहीं थी। वहीं इस मामले में सिर्फ साहिल ही नहीं, साहिल के साथ 5 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं जो इस हत्या में शामिल थे। इस मामले में और क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताते हैं। सूत्रों की माने तो 22 साल की निक्की और 24 साल के साहिल शादी कर चुके थे। उनकी शादी करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2020 में आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज से हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि निक्की की शादी की ना तो परिवार को खबर थी और ना ही साहिल के साथ उनके संबंधों का उन्हें कोई आइडिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस समय हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनके रोल पर विस्तार से जानकारी हासिल की जा रही है। इनके फोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगालने के बाद कुछ और लोग शक के दायरे में आए हैं। इनको भी जल्द बुलाकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। इस प्रकरण में अगर उनकी भूमिका मिली तो फिर अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब तक जांच से साफ है कि साहिल के पूरे परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को लिव इन में रहने के बाद 2020 में उसके शादी की जानकारी थी। निक्की के फैमिली में सिर्फ उसकी छोटी बहन इस बारे में जानती थी। छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि वो पढ़ाई करने दिल्ली आई थी। परिजनों को अगर निक्की साहिल के बारे में बताती तो वो दोनों बहनों को झज्जर बुला लेते। पुलिस ने ग्रेटर नोएडा स्थित आर्य समाज मंदिर के पुजारी से भी रविवार को पूछताछ की। इसी मंदिर में 1 अक्टूबर 2020 को निक्की और साहिल ने शादी की थी। वहीं साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत आज से 25 साल पहले 1997 में एक मर्डर केस में आरोपी थे। सूत्रों ने बताया कि साहिल के पिता को पुलिस ने मर्डर के कुछ दिन के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। वीरेंद्र पर ऐसा आरोप था कि मर्डर के बाद वो गांव की ओर भाग गए। इस मामले को लेकर कई सालों तक सुनवाई चली, जिसके बाद साहिल के पिता को मर्डर का दोषी करार दिया गया। साहिल के पिता ने अदालत के इस फैसले के खिलाफ अपील भी की थी, इसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस निक्की यादव हत्याकांड में पूरी छानबीन कर रही है। जो भी और अन्य आरोपी हैं जिनका इस मर्डर केस से कनेक्शन निकलकर सामने आएगा, उसे पुलिस गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। निक्की यादव मर्डर केस में और क्या कुछ अपडेट आता है, जो भी अपडेट आएगा उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR।